दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज्यादा वक्त तक जो महिला सीएम रह चुकी है आज तक के इंडिया के इतिहास में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे शीला दीक्षित के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं रही। शीला दीक्षित इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत ही पुरानी सदस्य है और वो दिल्ली की 3 बार सीएम भी रह चुकी है। उन्होंने 1998 से लेकर 2013 तक सीएम पद संभाला था। शीला दीक्षित बीजेपी की सुषमा स्वराज को हराकर सीएम बनी थी। शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को कपूरथला पंजाब में हुआ। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन जीसस एंड मैरी स्कूल दिल्ली से की और उन्होंने अपनी बाद की कॉलेज एजुकेशन मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में की। उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की थी। इनके हस्बैंड विनोद दीक्षित एक आईएएस ऑफिसर थे। शीला दीक्षित के एक बेटा है जिसका नाम संदीप दीक्षित है और इनकी एक डॉटर है जिसका नाम लतिका है। 1970 में शीला दीक्षित यंग वुमेन एसोसिएशन की चेयरपर्सन थी। चेयरपर्सन की जॉब छोड़ने के बाद शीला दीक्षित ने गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में भी एक सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। शीला दीक्षित बड़े अलग ही तरीके से पॉलिटिक्स में आई। उनका पॉलिटिक्स में आने का कोई भी इरादा नहीं था। शीला दीक्षित के फादर इन लॉ उमाशंकर दीक्षित भारत की आजादी में एक एक्टिविस्ट थे। उसी के बाद उमाशंकर दीक्षित जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाए गए, तो उनकी मदद करने के लिए शीला दीक्षित कभी कभार उनके ऑफिस में चली जाती थी। उनकी इतनी प्रतिभा और स्किल देखकर इंदिरा गांधी ने उनको वुमेन्स की सेफ्टी के लिए और उनके राइट्स के लिए पोस्ट दे दी। शीला दीक्षित 11 जनवरी 2019 से ले 20 जुलाई 2019 तक दिल्ली कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही। इसी के साथ साथ शीला दीक्षित केरला की 22वीं गवर्नर भी रही। उन्होंने 11 मार्च 2014 से लेकर 25 अगस्त 2014 तक गवर्नर की पोस्ट संभाली। शीला दीक्षित 2008 से लेकर 2013 तक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रही। उन्होंने 4 दिसंबर 2008 से लेकर 28 दिसंबर 2013 तक उस पोस्ट को संभाला। शीला दीक्षित को 2008 में बेस्ट चीफ मिनिस्टर का भी अवार्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिया। इसी के बाद 2009 में पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी एनडीटीवी के द्वारा शीला दीक्षित को दिया गया। 2013 में शीला दीक्षित को दिल्ली वुमेन ऑफ डिकेड अचीवर्स अवार्ड भी एसोचैम के द्वारा दिया गया। शीला दीक्षित ने अपने जीवन में कांग्रेस और देश के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया, मगर कुछ समय से बीमार चल रही शीला दीक्षित 19 जुलाई को एस्कॉट हर्ट इंस्टीट्यूट में एडमिट कराई गई क्योंकि उन्हें हर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और 20 जुलाई तक आते आते उनकी हालत बिगड़ती ही चली गई और शाम को 3:55 पर शीला दीक्षित ने अपनी अंतिम सांस ली और 81 साल की उम्र में शीला दीक्षित का देहांत हो गया। शीला दीक्षित ने देश और कांग्रेस के लिए जो भी किया है, ना ही उसको देश और ना ही उसको कांग्रेस कभी भी भूल पाएगी। आज की वीडियो बस इतनी थी। वीडियो को लाइक कर बिना तो कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के आइकन को भी जरूर दबा देना। इंस्टाग्राम पर भी हम लोगों को फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।